चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन इंटर अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, बोथ हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, विच वन ऑफ इज ट्रू। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लो इसमें जो लिखा हुआ है लेस कर्व का ऑप्शन में, लेस कर्व का मतलब क्या होता है? लेस कर्व का मतलब होता है जिसका रेडियस लार्ज हो, बड़ा हो। लेस कर्व होने का मतलब जैसे ये एक कर्व है और ये एक कर्व है, इसका रेडियस छोटा है जबकि इसका रेडियस बड़ा होगा, तो ये लेस कर्व है और ये मोर कर्व है। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, इसका रेडियस बड़ा है, लेस कर्व का मतलब रेडियस बड़ा लार्ज, ठीक है, और मोर कर्व का मतलब जिसका रेडियस छोटा हो स्मॉल हो, ठीक है ना, ये पॉइंट क्लियर रहना चाहिए। अब जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है परपेंडिकुलरली, तो उसका पाथ कैसा होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, सर्कुलर होगा, और सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना होता है, एम वी अपॉन क्यू बी, ये होता है। तो अब देखो काइनेटिक एनर्जी कह रहा है सेम है, काइनेटिक एनर्जी चाहे इलेक्ट्रॉन का हो चाहे प्रोटॉन का हो, वो दोनों की वैल्यू के इक्वल है, ठीक है। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को वेलोसिटी को कन्वर्ट कर लूँ काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, तो क्या लिखूँ, के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, या वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू के बाई एम, या वी इज इक्वल टू अंडर रूट टू के अपॉन एम, ये होगा। ये वैल्यू यहाँ रखें तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम इंटू टू के बाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में टू के एम डिवाइडेड बाई क्यू बी, ये रेडियस होगा, करेक्ट है। अब इसको कन्वर्ट कर लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों के लिए सेम होगी, तो इलेक्ट्रॉन का डिवाइडेड बाय प्रोटॉन का कितना हो जाएगा, ये देखो जरा, मैग्नेटिक फील्ड सेम, चार्ज वैल्यू सेम होती है, मास अलग अलग होता है, बस काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो क्या होगा, अंडर रूट एम एम ई अपॉन अंडर रूट में एम पी, ठीक है, करेक्ट है। तो मास किसका ज़्यादा होता है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से, तो ये वैल्यू जो हो गई वो छोटी हो गई एक से, सो आर ई अपॉन आर पी की वैल्यू छोटी हो जाएगी एक से, ऑब्वियस सी बात है, अगर छोटी होगी इट मीन्स आर ई इज लेस देन आर पी, करेक्ट है, यानी रेडियस किसका ज़्यादा होगा, प्रोटॉन का बड़ा होगा, छोटा किसका होगा, तो कर्व प्रोटॉन का छोटा होगा, तो लेस कर्व का मतलब प्रोटॉन का कर्व छोटा हुआ लेकिन रेडियस बड़ा हुआ, ये पॉइंट याद रखना है, रेडियस बड़ा होगा लेकिन लेस कर्व होगा प्रोटॉन का, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।